अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर उसके अंदर बिल्ट इन जो वाईफाई होता है उसकी कुछ सेटिंग देखेंगे और वर्चुअल एक वायरलेस कार्ड किस तरह से बना सकते हैं उसकी सेटिंग देखेंगे और एक वर्चुअल कार्ड बनाएंगे। हमारे पास एक वायरलेस बिल्ट इन जिसके अंदर वायरलेस का कार्ड लगा हुआ है वो माइक्रोटिक राउटर बोर्ड है हमारे पास 951UIAS2HND, ये मॉडल है। और वायरलेस इंटरफेस के अंदर आएंगे जो वायरलेस लैन के नेम से एक इंटरफेस आ रहा है उसे इनेबल कर लेंगे। ये इसकी कुछ सेटिंग है, मोड में आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंड इसका आपने क्या सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, चैनल इसके 20/10/5/20/40 MHz वो सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप इसे एक्सेस मोड पे रखेंगे तो आपने इसका नेम क्या रखना है, SSID सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे स्टेशन बनाना चाह रहे हैं जो उसका बिल्ट इन लैन कार्ड है, तो हम जो है वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमने जिसके साथ इसे कनेक्ट करवाना है वो SSID सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जैसे ही हमारी कनेक्टिविटी होगी। हमारी कनेक्टिविटी अभी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमने अभी पासवर्ड जो है SSID का जिसके साथ इसे कनेक्ट करवाया है वो नहीं दिया। उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन में आएंगे, यहाँ पर एक ऐड करेंगे नेम वायरलेस स्टेशन वायरलेस क्लाइंट कुछ भी आप रख सकते हैं। उस राउटर का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम पुट करने के बाद अप्लाई ओके कर देंगे। वाईफाई इंटरफेसिस में आएंगे, दोबारा से ओपन करने के बाद जो वायरलेस सिक्योरिटी प्रोफाइल है वो हम वायरलेस क्लाइंट जो हमने अभी बनाई है उसे अप्लाई ओके कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन में आएंगे तो यहाँ पे हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और ये सिग्नल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे हमें बता रहा है। अब DHCP क्लाइंट पे जाके हम इसी को ही एज ए वैन सेलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। बिल्कुल इसने IP जो है वो उठा लिया है, ये एज ए हमारी वैन अभी वर्क करेगा। पिंग करके चेक कर लेते हैं गूगल के DNS को और नेट जो है वो हमारे सिस्टम में आना शुरू हो गया। अभी एक और सिक्योरिटी पर फाइल बनाएंगे जो हमारे एक्सेस पॉइंट अभी एक वायरलेस लैन कार्ड वर्चुअल वायरलेस लैन कार्ड अभी क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमने जो पासवर्ड रखना है वो यहाँ पे सेट करेंगे। एक्सेस पॉइंट नेम दे दिया, उसका पासवर्ड दे दिया, अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। वायरलेस इंटरफेस में आएंगे, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, वर्चुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, उसका जो नेम हम रखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर सेट कर देंगे। SSID जो भी रखना चाह रहे हैं माइक्रोटिक टेस्ट के नेम से एक SSID यहाँ पे हम सेट करेंगे। वायरलेस प्रोफाइल में हम एक्सेस पॉइंट के नाम से जो हमने अभी पासवर्ड वहाँ पे सेट किया है वो प्रोफाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर VLAN मोड आपने ऑन करना है या VLAN टैग करनी है यहाँ पे तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे अप्लाई करके ओके कर देंगे। और इसको हम एज ए LAN कन्फिगर करेंगे। अब एक ब्रिज कॉन्फ़िगर करते हैं, ब्रिज के अंदर हमने जो WLAN 2 वर्चुअल अभी बनाई है जिसे हमने अभी लोकल एरिया बनाना है वायरलेस के ऊपर ही, वो हमने ब्रिज को ब्रिज में उसकी स्लेव पोर्ट उसकी बना दी है। अभी हम कोई भी लोकल एरिया पे जो IP रखना चाह रहे हैं वो IP हम देंगे यहाँ पे। DHCP की सेटिंग WLAN 2 के ऊपर डायरेक्ट ही अभी हम कर रहे हैं। DHCP सर्वर में आएंगे और WLAN 2 सेलेक्ट करेंगे, ये स्लेव है, कह रहा है कि इसके ऊपर हम इसकी सेटिंग नहीं कर सकते, हमें सेटिंग लोकल के ऊपर करनी पड़ेगी। DNS सर्वर हमने नहीं दिया हुआ, अभी IP पे क्लिक करेंगे, DNS पे क्लिक करेंगे, गूगल के DNS यहाँ पर पुट करेंगे। गूगल के DNS पे ब्राउजिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इसलिए मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने ISP के हिसाब से कोई भी DNS जो है वो यूज़ कर सकते हैं। IP DHCP सर्वर DHCP सेटअप नेक्स्ट 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 करके DHCP सर्वर को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। IP फायरवॉल नेट ऐड करेंगे,
एक्शन मास्कुरेट जर्नल में सोर्स नेट, ओके कर देंगे। अब जो है वो हम अपने सिस्टम को कनेक्ट करवाएंगे माइक्रोटिक टेस्ट के साथ कि हमें माइक्रोटिक जो टेस्ट है उसका पासवर्ड यहाँ पे दे के चेक करते हैं। ये हमारे पास कनेक्ट हो के ये वायरलेस ही अभी डाटा ले रहा है और वायरलेस पे ही हमें डाटा आगे दे रहा है। आप इसे एज ए रिपीटर भी समझ सकते हैं कि एज ए रिपीटर मोड के ऊपर ये काम कर रहा है। माइक्रोटिक वायरलेस जो है वो एज ए एक्सेस पॉइंट भी काम करेगा, एज ए स्टेशन भी काम करेगा। उसमें वर्चुअल आप काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो बना सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा कार्ड होगा, जितने वर्चुअल कार्ड बनाते जाएंगे उसकी पावर उतनी कम होती जाएगी। लैन जो इथर है वो डिसेबल कर दी है। माइक्रोटिक टेस्ट जो है वही हमारे पास अभी कनेक्ट है। विनबॉक्स को ओपन कर लिया है, वायरलेस पे आके चेक कर लेते हैं। एक और वर्चुअल अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तीसरा बनाने के लिए SSID आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर AP ब्रिज आप कर रहे हैं तो। अप्लाई ओके करेंगे तो एक और जो है वर्चुअल पोर्ट जो है इसकी बन जाएगी वायरलेस की। इसने एक दफ़ा से कार्ड को रिबूट किया है जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। QW के नेम का अभी एक्सेसमेंट जो बनाया था वो भी बन चुका है। सेकेंड वर्चुअल पोर्ट जो बनाई थी उसे डिसेबल कर दिया है हमने, डिलीट कर देते हैं अभी। मल्टीपल वर्चुअल पोर्ट वायरलेस के ऊपर आप बना सकते हैं, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा आपको। अभी ब्राउजिंग कर रहे हैं, वायरलेस से ही डाटा ले रहा है, वायरलेस से ही डाटा हमें दे रहा है। यूट्यूब भी ओपन हो रही है हमारे पास, गूगल भी ओपन हो रहा है, ब्राउजिंग बिल्कुल ठीक हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।